Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a very important theorem, change of scale property on inverse Laplace transform. So let's start the video. और ये theorem की तरह भी आता है या change of scale property के रूप में पूछा जाता है, तो ये काफ़ी important है जो हमारे upcoming questions होंगे. तो थ्योरम कुछ इस तरह से है कि इफ एफ ऑफ एस इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी डिनोट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन देन प्रूव दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए एस इक्वल टू वन ऑफ ए एफ ऑफ टी बाई ए वेयर ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो. तो हमें ये शो करना है कि अगर जो एफ ऑफ एस है हमारा एफ ऑफ एस वो अगर लाप्लास ऑफ एफ टी हो, किसी एफ टी फंक्शन का लाप्लास अगर एफ ऑफ एस हो, देन हमें शो करना है कि लाप्लास का इनवर्स एफ ऑफ ए एस इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन ए एफ अपॉन टी बाई ए. तो इसको स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा ए होता है यहाँ पे क्या है, एस है और यहाँ पे ए एस है. तो ए एक तरह से स्केलर नंबर होता है, ये जो ए है एक तरह से स्केलर है, स्केलर होता है. तो वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे इनटू में दिख रहा है, यहाँ पे डिवाइड होता है, ये चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हैं, इसलिए इसको हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बोलते हैं. तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं. हमें गिवन है एफ ऑफ एस इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी. ये कहाँ से हो गया, ये हो गया हमारा बाय डेफिनेशन. ठीक है, तो लाप्लास के डेफिनेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ एस इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी एंड दिस इज इक्वल जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी. तो फाइनली हमें मिल गया एफ ऑफ एस इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एस के जगह ए एस से रिप्लेस करें, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में लाना है वो कुछ है, जो थ्योरम है ए एस है, तो हम रिप्लेस करते हैं. तो रिप्लेसिंग एस बाई ए एस इन एबव इक्वेशन, या हम कह सकते हैं इन एबव रिलेशन या एबव एक्सप्रेशन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा एफ ऑफ ए एस. ठीक है, जहाँ पे एस है वहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं ए एस से. तो एफ ऑफ ए एस इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर, यहाँ भी हो जाएगा ए एस टी इंटू एफ ऑफ टी और यहाँ हो जाएगा सिंपली डी टी. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको कुछ ऐसा लाप्लास जैसा बनाना पड़ेगा जो लाप्लास को फिर हम इधर की तरफ लाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा लाप्लास का इन्वर्स. तो इस टर्म में हमें किसी तरीके से लाप्लास का टर्म निकालना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे e का जो पावर है माइनस ए एस टी है, तो अगर ये एस टी जैसा हो जाए तो हमारा काम बन सकता है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ लेट करेंगे, तो लेट ए टी इक्वल टू एक्स, यहाँ पे अगर हम ए टी को एक्स मान लें या यू कुछ भी मान सकते हैं, तो ए टी एक्स हो जाएगा, तो a इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स, या सिंपली डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए. तो उसी हिसाब से लिमिट भी चेंज होगा. तो लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, इफ t इज़ ज़ीरो तो x का मान क्या होगा, तो हम ऐसे लिखते हैं देन x इक्वल टू, तो अगर t ज़ीरो होगा तो x भी ज़ीरो हो जाएगा, एंड इफ t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट देन, जब t को इन्फाइनाइट करेंगे तो x की वैल्यू भी इन्फाइनाइट आएगी. तो ये सिंपल सा लिमिट चेंज है, जैसे हम पुट करते हैं कोई भी वैल्यू तो लिमिट को चेंज करना पड़ता है, तो सिर्फ वही काम हम कर रहे हैं और कुछ नहीं है ये. तो अब इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या आता है. यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमारा t हो जाएगा x बाई ए, ए टी इक्वल एक्स है तो t करेंगे तो x अपॉन ए. तो पुट करते हैं ऊपर, एफ ऑफ ए एस इक्वल टू
0 to infinite e to the power minus s है और at को हमने x मान रखा है, तो ये हो जाएगा sx into f और t को लिख सकते हैं x by a, t हो जाएगा हमारा fx by a into dt क्या है dx by a। तो लिमिट में कोई चेंज नहीं रहा, बाकी जो चीज़ें चेंज हुई हैं उसको हमने लिख दिया। तो लिमिट एज इट इज़ है, x की वैल्यू भी 0 से इनफाइनाइट पे वेरी कर रही है, यहाँ t का मान x by a था और यहाँ पे dt की जो वैल्यू है वो dx by a हो गया। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर सकते हैं, हम चाहें तो 1 by a को कॉमन ले लें, कॉमन नहीं कहेंगे बल्कि इंटीग्रेशन से बाहर, और इसको लिख सकते हैं 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस एक्स, ये टर्म इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स वाई ए, यह हो गया डी एक्स, ये सिंपली एक्स है, तो ये हो गया 1 बाई ए 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस एक्स इंटू एफ एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ए, और ये एक तरह से क्या है, अगर हम x को t से रिप्लेस करें, सिंपली केवल हम रिप्लेस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी, तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी बाई ए, और यहाँ पे हो गया ये डी टी, हमने कुछ नहीं किया सिर्फ x को रिप्लेस कर दिया t से। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, हम सारी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, x यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए, और ये हो जाएगा, या हम चाहते तो इसको अंदर भी लिख सकते थे, फिर ठीक है 1 अपॉन ए, और ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ टी बाई ए। क्लियर, तो इस टर्म को हम चाहें तो यहाँ भी लिख सकते थे, खैर ऐसे भी ठीक है ऐसा। ठीक है, अब इस लाप्लास को हम जब इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू है एफ ऑफ ए एस का, जब लाप्लास इधर आएगा तो हो जाएगा एल इनवर्स एफ ऑफ ए एस इक्वल टू 1 अपॉन ए एल एफ ऑफ टी बाई ए। ठीक है, तो यही है था हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, क्लियर, यही तो हमें लाना था, क्लियर है, सिंपल लाप्लास हमारा इधर आया, इन्वर्स हो गया, लाप्लास इन्वर्स या इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू 1 बाई ए, यहाँ पे लाप्लास नहीं होगा, 1 बाई ए एफ टी अपॉन ए, सिंपल ये, तो चाहे तो यहाँ से ब्रैकेट हटा सकते हैं, सिंपली हम ऐसे लिख लेंगे एफ ऑफ टी वाई ए। क्लियर, तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ, प्रूव्ड, क्लियर, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन जो बेस्ड है इसी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे, जो थ्योरम हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ़ एल इनवर्स दैट इज़ लाप्लास इनवर्स या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टी कॉस टी, एंड देन फाइंड एल इनवर्स 9 एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन 9 एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एस स्क्वायर माइनस वन और नीचे एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। सो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेक करने दीजिए कुछ, सो दिस इज स्क्वायर, क्लियर, सो थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 9 एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम रिपीट कर देते हैं एक बार, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टी कॉस टी, देन फाइंड लाप्लास ऑफ इनवर्स 9 एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन 9 एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें गिवन है
given Laplace inverse equal to s square minus 1 upon s square plus 1 ka whole square equal to t cos t. तो इसको देख के हमें लग रहा है ये कितना कठिन क्वेश्चन है, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, अगर ये ऐसी प्रॉपर्टी हमें न पता हो। लेकिन देखिए, हम जैसे ही इसको लगाएंगे ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हमें गिवन है लाप्लास इनवर्स एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू इतनी है। और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे पकड़ेंगे कि हमें यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये लगाना है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो टर्म यहाँ पर है एस स्क्वायर, वही टर्म यहाँ होना चाहिए एस स्क्वायर, जैसे यहाँ पर है 9s² और 9s², और जो नेचर इसका है यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर, तो सेम उसी तरीके से होगा, तभी ये कुछ लग पाएगा स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे वही चीज़ करते हैं जैसे हम इसको सॉल्व किए थे। तो हमने क्या किया था, s को रिप्लेस किया था as से, यहाँ पे जो a था वो स्केल था, जो भी हमने डिस्कस किया है वहाँ पे a था वो स्केल था, उसकी चेंजिंग हो रही थी तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी था। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा एस है वो रिप्लेस होगा, सो ऑन रिप्लेसिंग एस बाई 3s, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एस की जगह यहाँ पे क्या है, एक तरह से यहाँ एस स्क्वायर है और यहाँ पे 9s² है। तो हमें क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि हमको एस को किससे रिप्लेस करना है। तो अगर हम s का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये क्या देगा 9s², अगर यहाँ 4s² होता तो यहाँ हम 2s लेते। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि यहाँ से हमें क्या मानना पड़ेगा जिससे कि हमें इसकी वैल्यू आएगी डायरेक्ट थ्योरम को यूज करके। तो s को अगर हम रिप्लेस करेंगे 3s से तो हमारा ये पार्ट कैसा मिलेगा, इस तरह का 1/a हो जाएगा और f होगा और t बाई ए। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, तो l इनवर्स s की जगह 3s रखिए, तो 3s का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3s का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पार्ट हो गया इक्वल। इधर क्या है, इधर हमें हो रहा है थ्योरम के हिसाब से 1/a, उसके बाद क्या होगा f होगा t बाई ए, f ऑफ t बाई ए। यहाँ पे क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है इसके हिसाब से ये टोटल क्या है, एक तरह से एफ टी है, जो ये पूरी वैल्यू है ये क्या था गिवन के हिसाब से, ये एफ टी था, क्योंकि लाप्लास इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू एफ टी। तो ये पूरी वैल्यू एफ टी थी, तो अगर हम यहाँ से एफ टी बाई ए फाइंड करेंगे वही चीज़ यहाँ पे आएगी, जब हम इस यूज कर रहे हैं यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, 1/a आएगा, फिर f ऑफ t बाई ए आएगा। तो उस हिसाब से जब हम यहाँ से t बाई ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, t के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे t बाई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ऑफ t बाई ए। ये क्लियर हो रहा है, सिंपल। f ऑफ t हमारा है t cos t, जब हम f ऑफ t बाई ए निकालेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे t बाई ए, और यहाँ भी हो जाएगा cos ऑफ t बाई ए। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। अब चूँकि यहाँ पे जो a था, अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हम s को 3s लिखे, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ a क्या दिख रहा है, a हमारा 3 है, यहाँ दिख रहा है। s को हम as से रिप्लेस करते हैं, जब हम यहाँ सॉल्व करते थे तो s को as से रिप्लेस किए थे हमने, थ्योरम में क्या किया था s को रिप्लेस किया था as से, यानी कि ये जो टर्म है वो क्या शो कर रहा है, ये a को शो कर रहा है। तो हमें a की वैल्यू मिल गई क्या 3, तो सिंपली यहाँ पे हो गया 1/3 × t/3, और ये हो गया cos ऑफ t बाई 3, क्लियर। क्योंकि यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। और इधर का साइड हो गया लाप्लास इनवर्स, और ये हो जाएगा 9s² - 1 अपॉन ये होल स्क्वायर होगा इसका, तो ये भी हो जाएगा 9s² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट अलग कर लेते हैं, तो ये भी वही हो गया, तो ये हो जाएगा t/9 × cos ऑफ t/3,
तो इधर वही है क्वेश्चन हमारा, लाप्लास इनवर्स 9s² - 1/9s² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिजल्ट इस क्वेश्चन का, ये वही चीज़ है जो हमें फाइंड करना था। तो कितना आसानी से हो गया ये काफ़ी कम स्पेस में, जबकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट हम करने जाते तो काफ़ी कठिन हो जाता और इससे वो निकालना भी मुश्किल हो जाता अगर हम ये थ्योरम नहीं पढ़े होते। ये थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो इसको ध्यान से देखिए और कहीं प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। ठीक है, तो चलें एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। तो ये है एक और क्वेश्चन उसी के ऊपर, फाइंड लाप्लास इनवर्स s/2s² - 8। अभी पिछले क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन थी कि हम दोनों से मिला के चेक कर पा रहे थे कि हमें s को कैसे रिप्लेस करना है। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, तो हमें कुछ चीज़ों का लाप्लास हमें पता होना चाहिए, तब हम ये जान पाएंगे। जैसे हमें पता है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² - 4² का इनवर्स होता है cos हाइपरबोलिक 4t। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी कि जो हाइपरबोलिक टर्म है या जो भी टर्म है, तो इसको हम देख के जान पाएंगे कि ये कुछ इस तरह का है, यस ऊपर है और नीचे यस स्क्वायर माइनस समथिंग है। अगर हम दो को एक तरह से बाहर यहाँ से निकालें तो ये क्या है, एस स्क्वायर माइनस 4 जैसा हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमें ये समझ में आएगा कि हमें हाइपरबोलिक लगाना है या सिंपल कॉस 4t लगाना है इस तरीके का। ठीक है, तो ये लाप्लास हमें याद रखना पड़ेगा, कुछ लर्न करने की चीज़ें हैं, ये याद रखेंगे तभी हो पाएगा। तो ये हमें गिवन हो गया, अगर हमें याद रहेगा तो एक तरह से ये गिवन हो गया कि लाप्लास इनवर्स s/s² - 4² = cos(hyperbolic)4t। तो अब हम फिर से देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये एक तरह से ft हो गया, जैसे उसमें था लाप्लास ऑफ एनीथिंग fs। हम जानते हैं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ fs होता है f(t), तो हमेशा जो यहाँ पे मिलेगा वो हमें ft देगा। और ये जो वैल्यू है ये वाली, वो क्या है, एक तरह से fs है, इस तरह से ये fs है। तो अब फिर से हम वही चेक करेंगे कि s की जगह हम क्या रिप्लेस करें, जैसे यहाँ पे s की जगह as था, तो यहाँ पे हमको रिप्लेस करना पड़ेगा s की जगह, ऑन रिप्लेसिंग s/2s। ठीक है, तो ये 2s समझ में आएगा अभी क्यों लिया गया। तो जब हम 2s करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, l इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा s की जगह पे 2s, और यहाँ पे नीचे 2s का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर, अब उस साइड में हमें क्या मिलेगा, फिर से हमें थ्योरम माइंड में होना चाहिए। तो वो थ्योरम ये कहता है कि पहले आएगा 1/a और a की जगह क्या हो गया 2, क्योंकि यही तो हमारा a है, यही एक तरह से a होता है। तो 1/2 और यहाँ हो जाएगा f, और ये t/a है, यानी cos एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 4t, और t की जगह हमें लिखना है t/2। ठीक है, तो cos हाइपरबोलिक 4 t के प्लेस पे क्या हो जाएगा, t/a मीन्स t/2। तो ये सिंपली हो गया 1/2 cos हाइपरबोलिक 2t। क्लियर, और इधर हो गया लाप्लास इनवर्स 2s/4s² - 16। क्लियर, 2s और ये 4s² - 16। अब हमें जो लाना है वो क्या है, 2s² - 8। तो अगर हम इस 2 से डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, लाप्लास इनवर्स s/2s² - 8 = 1/2 cos हाइपरबोलिक 2t। तो हो गया, ये यही हमें लाना था, इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी जो यहाँ पे है। तो ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
using change of scale property. तो बहुत ज़रूरी है कि वो थ्योरम भी याद रहे कि हमें कैसे उसको चेंज करना है, और उसके बाद ये कुछ चीज़ें जो लाप्लास के टर्म में आती हैं सबका हमने लाप्लास निकाल रखा है और उसको फिर हमें याद रखना पड़ेगा। तो बड़ा ज़रूरी है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए आपको काफ़ी फंक्शंस के लाप्लास ऑलरेडी याद होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।